मैनपुरी में मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग ने मारा छापा, भरे सैंपल। जैसे जैसे होली, दीपावली और रक्षाबंधन के त्यौहार नजदीक आने लगते हैं, वैसे वैसे मिठाई की दुकानों पर मिठाई खाने वाले शौकीनों का तांता लग जाता है और खाऊ कमाऊ नीत के चलते दुकानदार उन मिठाइयों में मिलावटखोरी के अलावा केमिकल युक्त मिठाइयां बिक्री करने लगता है, जिससे मिठाई खाने वाले शौकीनों के स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है। जिसकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निर्देशानुसार खाद्य विभाग मैनपुरी ने SDM मैनपुरी के साथ मिलकर शहर की प्रतिष्ठित दुकानों पर जैसे कि कृष्णा स्वीट, बीकानेर स्वीट के साथ साथ राजधानी, मिष्ठान भंडार आदि स्थानों पर छापा मारकर कार्रवाई की और उनके सैंपल भरे। विभाग ने आपके यहाँ छापा मारा है, क्या क्या सैंपल लिए गए हैं? सर, उन्होंने हमारे यहाँ से दो तरह के सैंपल लिए हैं, एक बालूशाही का सैंपल लिया है, एक बस्ती का सैंपल लिया जी। जैसा कि आपका दावा है कि यहाँ शुद्ध मिठाई का जो है ना आप मिष्ठान बनाते हैं और उसको बिक्री करते हैं, क्या और कोई सैंपल लिया, क्या घी वगैरह के सैंपल लिए? नहीं, उन्होंने जो जो चीज़ मेरे से मांगी है मैंने सारा सैंपल दिया है उनको जी। और बाकी इससे पहले मेरा दो बार सैंपल उन्होंने दिया हुआ है, पहले से रिपोर्ट, इससे पहले दो बार दिया सैंपल हमने और दोनों बार हमारी रिपोर्ट क्लियर आई। और कोई गाइडलाइंस दिया क्या अधिकारियों ने, क्या कुछ कहा? नहीं, थोड़ा उन्होंने बोला है त्यौहार का टाइम है, आप साफ सफाई के बारे में ध्यान करिएगा थोड़ा सा, और फ्रेश से फ्रेश माल भेजने के लिए उन्होंने बताया। ठीक, आज जो है एसडीएम ऋषिराज जी के नेतृत्व में जो है जी तीन बड़ी मिठाई दुकानों पर कार्रवाई की गई है, त्यौहार के मद्देनजर की गई, पब्लिक को जो है शुद्ध सुरक्षित है मिठाइयाँ मिल सकती है। सर, किस किस मिठाई के सैंपल लिए गए हैं अभी तक? यहाँ पर जो कन्हैया मिष्ठान भंडार है साई मंदिर के पास, वहाँ से दो सैंपल लिए गए हैं, एक जो है गोभी का लड्डू लिया गया और एक नारियल बर्फी का कलर्ड है दोनों, और एक खासकर इसमें कलर की जांच के लिए दिया गया है जी। ये वहाँ पर कुछ मिठाई नष्ट करवाई, जितने भी सैंपल लिए गए हैं मिठाई की गुणवत्ता के आधार पर लिए गए या और भी बात है? नहीं, FSSAI एक्ट में जो है जो सैंपल लिए जाते हैं वो जिस पर हमें डाउट होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है उसी के नमूने लिए जाते हैं, हमें यदि डाउट नहीं। अच्छा, ये बताइए सरकार ने जो लागू किया था अभी तत्काल एक कुछ दिन पहले से लागू हुआ है, एक जगह हम मिठाई के काउंटर पर देख रहे हैं कहीं भी एक्सपायरी दर्ज नहीं है, ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? ऐसा है, मिठाइयों में एक्सपायरी डेट नहीं होती है, फर्स्ट को जो फूड के मैटर में होता है वो बेस्ट बिफोर होता है और मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर लिखी होनी चाहिए और बेस्ट बिफोर, और इस पर शासनादेश हमें जस्ट आया। सर, अगर जितने भी सैंपल लिए गए हैं सर उसमें जो भी अगर जो दोषी पाए जाएंगे क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, इसमें प्रक्रिया है कि जो नमूने यदि पास आ गए, क्योंकि प्रथम दृष्टया सैंपल लेना ये नहीं कि व्यापारी गलत बेच रहा है, सैंपल लेना हमारी शंका और डाउट के आधार पर है, और यदि नमूने जांच में लखनऊ लैब भेजे जाते हैं हमारी जो स्टेट की सबसे बड़ी लैब है, तो वहाँ से यदि रिपोर्ट अडल्ट्रेटेड आया तो उसके ये रिपोर्ट की पहले स्क्रूटनी होती है कि किस तरह का अडल्ट्रेशन है, मैंने दो तरह का अडल्ट्रेशन होता है, एक तो होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और एक है कि सिंपल है जैसे दूध में पानी मिल गया सिंपल है, दूध में यूरिया मिल गया स्वास्थ्य के लिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसी बात नहीं है कि, तो यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसकी स्वीकृति के लिए हमें लखनऊ कमिश्नर के यहाँ भेजना पड़ता है और वहाँ से स्वीकृति। अभी आपने मिठाई के संबंध में शासनादेश संबंधी बात की थी, क्या बात है? शासनादेश है कि अभी जस्ट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और इस पर शासनादेश जारी भी हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और इसको लागू भी करना है कि दुकानदार मिठाइयों में मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट भी तो लिखेगा, और इस पर हम लोग पहले बड़ी दुकानों पर प्रयास करते हैं क्योंकि आदत में आने में टाइम लगता है और आदत में आ जाएगा। पर अभी प्रारंभ आपने किया है किसी ने? अभी जैसे कि प्रारंभ किया है, बनाया जा रहा है, उसमें प्रिंट करना है उनको। अभी आपने जब यहाँ पर नहीं, यहाँ तो लिखा है, जैसे इसने लिखा है कि एक चीज़ लिखा है इसमें कि यूज विद इन 24 आवर्स, लेकिन अब विद इन 24 आपने तो लिया 24 आवर में यूज कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं लिखा किस डेट में बनाया, किस डेट में। हाँ, तो ये उसको सुधरवाना है, उस पर गाइडलाइन दी जाएगी, इस पर सुधार कर। ठीक।